हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी आई होप ऑल डू डूइंग ग्रेट ऑल ऑलफिया फाइन एंड सेफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट सेवन डेज स्ट्रैटेजी फॉर एम एच सी डी फाइव ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम आप इन सेवन डेज़ का बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बच्चा पूछ रहा है मुझे इंस्टाग्राम पर और आई वॉज लाइक चलो एक वीडियो ही कर देता है टाइम मैनेजमेंट पर कि इन सेवन डेज का बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हो ये सेवन डेज के अंदर आप कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो कर सकते हो तो क्या कर सकते हो ताकि आप अपने ड्रीम लॉ स्कूल दैट इज डी आर सी मुंबई या फिर आई एल एस पुणे के अंदर एडमिशन ले पाए या फिर जो भी जिसका भी ड्रीम लॉ स्कूल है उसमें एम एच सी टी के थ्रू जो है एडमिशन ले पाए तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी दिन अपने डे को कैसे डिवाइड करना है कैसे यूज़ करना है डिफरेंट डिफरेंट जो मुझे सिचुएशन पता है बच्चों की वो मैं डिस्कस कर दूंगी अगर बाय चांस मैं आपकी सिचुएशन नहीं डिस्कस करती हूँ तो आपको मुझे अपनी सिचुएशन कॉमेंट्स में बतानी है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रिप्लाई फॉर श्योर करूँगी इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज नंबर ऑफ मैसेजेस बहुत ज़्यादा है बट मैं फिर भी ट्राई करूँ कि हर रोज़ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पर आंसर करती जाऊँ बट यहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं राइट right, तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट जरूर करना अपने डाउट्स अब देखिए यहाँ पर जो हमारा डे है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज ठीक है इस टाइम पे हमारे लिए रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिविजन प्लान बनाना कैसे है वो मैं अभी डिस्कस करूंगी बट हमें अपना जो डे है अगर मेरा डे है तो उसको मैं ऐसा डिवाइड करूंगी कि मैं रिवाइज करूंगी फिक्स टाइम फिक्स आवर्स मुझे देने ही देने हैं हर रोज रिविजन को ठीक है ना अब टॉपिक्स कैसे डिसाइड करने हैं या रिविजन करनी ही करनी है देखिए दो टाइप के बच्चे होंगे रिविजन वालों में जिनकी रिविजन फुल फ्लैश्ड हो रखी है और उन्होंने अभी अभी टॉपिक्स रिवाइज करें और उनको फुल कॉन्फिडेंस है उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे आता है सब ठीक है और क्योंकि हमने अभी अभी कुछ दस पंद्रह दिन पहले से ही रिविजन हमने करी हुई है तो मोस्टली हमारे टॉपिक्स रिवाइज है ठीक है ना तो, तो फिर आप मतलब मॉक टेस्ट पर फुल फोकस दे सकते हैं और रिविजन जो है कुछ टॉपिक्स जो वीक है उनकी कर सकते हैं बट एक कैटेगरी है जिनको नो no कॉन्फिडेंस है क्योंकि सच में ही बहुत देर हो गई है कि टॉपिक्स रिवाइज नहीं करें किन ठीक है, है तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार एक बार उठा के इसको पढ़ना पड़ेगा तभी तो एग्जाम के अंदर थोड़ा अच्छा यू you नो know, परफॉर्मेंस रहेगा तो इसका मतलब रिविजन करनी पड़ेगी राइट तो मोस्टली जो बच्चे होंगे आई नो उनको रिविजन करनी पड़ेगी क्योंकि आपने अभी तक नहीं करी है तो रिविजन आप फिर मतलब ये वाली कैटेगरी के बच्चे रिवाइज

बुक नोट कहीं से भी पढ़े उनमें से ही आप पढ़ो थ्योरी पढ़ो उसकी अगर आपने अंडरलाइन किया है पॉइंटर्स बनाए हैं तो वो पढ़ो अगर नहीं किया है तो स्किप इन स्कीम वाली लगाओ जिसके अंदर फटाफट से पढ़ो जहां पे लगे कि इंपॉर्टेंट आ गया वहां पर रुक कर, थोड़ा लगा कर पढ़ते रहो ठीक है उसके बाद रैंडम क्वेश्चन अटैप्ट करो चाहे रिपीट क्वेश्चन पहले आपने सॉल्व करें फिर भी आप रैंडम क्वेश्चन अटेंप्ट करो जब आप ये करोगे तो आप खुद देखोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चीजें रिवाइव हो जाएंगी अंदर ही अंदर आपको चीजें याद आने लग जाएंगी ठीक है अब उसके बाद रिविजन तो करना ही करना है, साथ साथ में अब हम कब मानेंगे कि हमारा हो गया जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हाँ खत्म होने चाहिए तो उसके बाद तुम रिविजन वाली गाड़ी पे आ सकते हो अगर तुमने सारा सिलेबस खत्म कर लिया तो, तो फिर बात ही कोई नहीं है ठीक है अब रिविजन के लिए टाइम निकाल रही हो फिर हमारे लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कम से कम टू डेज के अंदर वन मॉक टेस्ट दें ठीक है वन मॉक टेस्ट दें टू डेज के अंदर अंदर एंड उसको हम एनालाइज करें देखो यार इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ये गलती हर साल हमेशा करते हैं कि वो मान लो 150 मान लो क्या है ही 150 का आपके 110 आ रहे हैं या 120 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं या 90 आ रहे हैं ठीक है ना या फिर आप लोअर साइड पे 50 पे घूम तो रहे हो सिक्सटी पे घूम रहे हो ठीक है ना तो आप दुख बना रहे हो ठीक है फिफ्टी सिक्सटी वाला दुख बना रहे हैं हंड्रेड वाला कह रहे हैं कि मेरी एडमिशन पक्की है ठीक है मैं आपको एक बात समझा दूँ अगर आप ये स्कोर पे ही बात खत्म कर रहे हो तो सच में बात यहां पे खत्म है ठीक है बहुत कम चांसेस है कि कुछ आगे बढ़ पाएगा मैं आपको बता रही हूं मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है ढूंढना कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं कि मेरे 150 मेरे 140 क्यों नहीं आए मेरे 150 क्यों नहीं आए ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है जिस वजह से नहीं आए जिन टॉपिक्स की वजह से वॉकिंग ऑन द टॉपिक्स दैट आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्कोरिंग मार्क्स इन मॉक्स वो वाले टॉपिक्स ढूंढकर उन पर अगर काम नहीं करोगे तो बेटा जी बात बननी मुश्किल हो जाएगी मैं आपको अभी से ही बता रही हूं पछताओगे ये सेवन डेज अगर मेहनत कर लोगे और ढंग से मेहनत एक होता है कोई भी बुक उठाई पढ़ना स्टार्ट कर दिया वो वाली मेहनत नहीं चलेगी स्मार्ट प्लस हार्डवर्क करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क के अंदर रिविजन क्या है, मेरे वीक कौन से, अगर वो वीक ऐसा है कि इंपॉर्टेंट मान लो एक लिस्ट आ गई लंबी सारी मेरे पास कि ये वीक टॉपिक्स है मेरे तो मैं इसमें ढूंढूंगी कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आता ही आता है हमेशा ये तो बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए मेरा इस पर काम करो जब इंपॉर्टेंट वाले खत्म हो जाए फिर लेस इंपॉर्टेंट भी कर लो क्या जाता है अगर वो एक दो मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा वहां से दो क्वेश्चन भी आएंगे तब भी प्लस टू हो रहा है कोई बुरी बात नहीं है उसमें समझ रहे हो ऐसे आपको करना है अपना डे जो है सेवन आवर्स की रिविजन दो घंटे का मॉक दो घंटे का एनालिसिस और फिर प्लान ऑफ एक्शन बनाओ कि तीन चार घंटे मुझे इन पे काम करना है मान लो रिविजन जो है ठीक है मान लो आपके टॉपिक्स बहुत सारे निकला जो वीक हैं तो आप रिविजन का टाइम भी कम करके उन वीक टॉपिक्स पे काम कर सकते हो ठीक है ना अभी आपको सिर्फ सिर्फ पढ़ाई करनी है सोना है खाना है बिल्कुल हेल्दी खाना खाना है बाहर का कुछ भी नहीं खाना आपको पता है मैंने भी बाहर का बिल्कुल बंद किया हुआ है जस्ट बिकॉज कि कुछ मतलब बीमार ना हो जाऊं बस मैंने कपड़े भी ज्यादा डालती हूँ इवन गर्मी है आ, फिर भी मैं कपड़े ज्यादा डालती हूँ कि ठंड ना लग जाए ठीक है तो आपको भी अपना ध्यान रखना है और बस पढ़ाई करनी है खाना खाना है थर्टी मिनट्स की वॉक के लिए जरूर जाना है क्योंकि बहुत ज्यादा अगर अंदर बैठोगे तब भी थोड़ा सा यू नो एंगजाइटी से होने लग जाती है हर रोज नहाना है ठीक है और थोड़ी सी यू नो भगवान को भी याद करना है कि भाई सब अच्छा हो जाए और फिर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ा करनी है ठीक है ना वन आवर पढ़ा टेन मिनट्स ब्रेक वन आवर पढ़ा टेन मिनट्स ब्रेक टू आवर्स पढ़ा टेन मिनट्स ब्रेक कर लो ऐसा ठीक है बस पढ़ना ही पढ़ना है ये आपका स्केड्यूल रहेगा अब हम कैसे डिसाइड करें कि प्लान क्या होना चाहिए रिविजन का मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट आर इन द सिलेबस एक नई लिस्ट बना लो मैं भी डिस्कस करूंगी टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट क्या है मेक द मार्क द टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट मार्क द टॉपिक्स दैट यू हैव डन ठीक है ना अगर ऐसा कोई टॉपिक निकल के आता है जो इंपॉर्टेंट और आपने नहीं किया सबसे पहले तो वो करो ठीक कर है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं छोड़कर जाने हैं ठीक है उसके बाद अब हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे खत्म कर लिए तो अब हम निकालेंगे वो टॉपिक्स जो बहुत पहले हमने किए थे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पहले किए थे और मुझे फील आ रहा है उनको के कि यार नहीं याद है कुछ ये पहले कर लेते हैं ठीक है तो वो आप जल्दी से कर देंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा ये खत्म करो ये जल्दी से हो जाएंगे इससे बहुत कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि जब मैं लिस्ट पे देखू मुझे लगेगा कि एट टॉपिक्स हो गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ठीक है ना अब डिवाइड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सेवन डेज एंड ऑल्सो ट्राई टू एड सम लेस इंपॉर्टेंट वॉन्स तो सेवन डेज का अपना सिक्स फाइव डेज का शेड्यूल बनाओ जिसके अंदर आपको कि हाँ ठीक है इन फाइव डेज में ये ये मैं ऐसे ऐसे करूंगी ठीक है तो ये आपको अपना एक फ्रेश शेड्यूल बनाना है रिविजन के लिए और मॉक्स अटेम्प्ट करना है और जहां पे आपको लगे कि यार अच्छा फिर इंपॉर्टेंस भी देखने की रिवाइजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इस टॉपिक पे कैसे मेरे मार्क्स बढ़ेंगे देखो अल्टीमेटली हमने क्या करना है हमारा एम क्या है हमें अपने मार्क्स बढ़ाने हैं मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ते हुए देखने चाहिए हमें वो ग्राफ ऊपर जाते हुए दिखना चाहिए राइट तो वो हमें इंपॉर्टेंस खुद ही डिसाइड करना होगा अगर नहीं डिसाइड हो रहा है इस वीडियो के नीचे आओ कॉमेंट करो और बोलो कि भाई मेरा ये वीक है और ये वीक है आप बताओ मैं किस पे काम करूं मैं कॉमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी आप मॉक टेस्ट जो है हमारे मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं हमारे मॉक टेस्ट आपको रुपीज के अंदर मॉक टेस्ट अवेलेबल

कि हम एटलीस्ट 120, 125 प्लस यहाँ पे चल जाए वन टेन प्लस तो हमने जाना ही जाना है तो बस ये ढूंढ लो कि मैं 110 प्लस जा कैसे सकती हूँ ठीक है ना मे बी मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग uh, है तो मैं मैथ्स पढ़ूंगी मुझे वो दस में से दस लेकर आने हैं ठीक है मे बी मेरा मैथ्स मैंने छोड़ दिया बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं तो मैं ढूंढूंगी कि मैं वो दस नंबर वो बीस नंबर कहाँ से कवर करूँ वो दस नंबर जो मैथ्स के मेरे मुझे पता है नहीं आएंगे वो मैं कहाँ से स्कोर कर सकती हूँ ये देखो कौन से मेरे स्ट्रांग टॉपिक्स हैं उनको अगर मैं कर लूँ तो क्या मेरे नंबर बढ़ जाएंगे ऐसा करना है स्मार्ट सोचना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है इसमें कोई डाउट नहीं है यूनिवर्सल्स में से पढ़ सकते मेरा लॉ का कोर्स कोर्स जो है कोर्स, वो खरीद सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे थ्योरी जो है वो पढ़नी है एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूजिवर्सल में से सॉल्व करनी करने हर किसी ने एमसीक्यूज क्यूज पढ़ने पढ़ने थ्योरी आपने जहां से पढ़ी है वहां से पढ़ लो अभी तक कहीं से नहीं पढ़ी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी तो यूनिवर्सल्स में से पढ़ सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है लीगल के सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है ठीक है ये सब कुछ करना है आपको उसके बाद लॉजिकल के अंदर ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये तो करने ही करने कोई भी मिस नहीं करके जाएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आर एस अग्रवाल में से कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा उसके बाद हमारे स्टैटिक जीके के यूनिवर्सल में से एमसीक्यूज कम से कम इनके रट्टा मार जाओ कुछ और नहीं तो ठीक है उसके बाद इंग्लिश के अंदर देखो यार ये वाला पार्ट तो हो सकता है ना आई नो ये तो लिस्ट वाला ये वाला भी इंपॉर्टेंट सिर्फ लीगल टर्म्स वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट मान लो और ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंपॉर्टेंट है बाकी ईडीएम और वन वर्ड अब नहीं हो सकते इनको छोड़ दो बट ये वाला पार्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं ग्रामर की रिवाइज कर लो रूल्स ठीक है स्पॉटिंग एरर्स मोस्टली तो बहुत कॉमन वाले एरर्स होते हैं ठीक है लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स दो

10 दिन अप्रैल के तो पढ़ जाओ ठीक है? और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जब तक एग्जाम सी ई टी यूजी देना करंट अफेयर्स काम आएगी नंबर टू जो बात आपकी है वो ये है कि बहुत बार पुरानी न्यूज आ जाती है फॉर एग्जाम्पल अभी मैं न्यूज़पेपर करवा रही थी तो वहां पे नॉर्दर्न आयरलैंड वाला आ गया नॉर्दर्न आयरलैंड 2022 का टॉपिक है 2023 में भी आ गया क्वेश्चन आ गया तो क्या जा रहा है आपका क्वेश्चन कवर होगा तो निकाल लो टाइम मैं तो यही कहूंगी न्यूज पढ़ते रहो उसके बाद करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं हाथ लगाई तो प्रतियोगिता दर्पण का कुछ तो पढ़ जाओ कुछ भी पढ़ जाओ लॉजिकल के अंदर ये वाले टॉपिक्स अगर टाइम है तो कवर करो नहीं तो जो मैंने पहले मार्क करे हैं वो ही कवर करके जाने हैं उसके बाद मैथ्स के अंदर बचे हुए टॉपिक्स ये सारे हैं सो so गाइज अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट लेने हैं तो आप डब्ल्यू पर जा सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है मे बी आपकी जो सिचुएशन है वो इस सिचुएशन जो मैंने डिस्कस करी है वो बिल्कुल अलग है तो कॉमेंट करिए नीचे और मैं आपको बताऊंगी मैं तो अज्यूम ही कर सकती हूँ ना क्योंकि जितने बच्चे जो भी सिचुएशन लेकर आते हैं मैं वो सारी आपको डिफाइन कर जाती हूँ कि ऐसा ऐसा करना चाहिए इस टाइम पे क्विक रिविजन होनी चाहिए ताकि जो पहले पढ़ा था वो आपके रिवाइव हो जाए मन में और उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बनेगा दूसरी चीज़ होनी चाहिए मॉक अटेम्प्ट करना और मॉक के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जानना हाउ टू अटैम्प्टाउ टू